रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन। तो सारे थे पे झोक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। नाजरीन जी, मैं कि झोक टीवी का तो वादा होंगे ऐसा तो डेली नवी तो नवी शख्सियात मिलवेने हैं, तो आपको मिलवेने हैं वसेब दे नाम वर लोगों के नाल। और आज जड़ी शख्सियत मेरे ना मौजूद है, हालांकि मैं आप डरता बैठा ही बंदे को। अच्छा, डरता क्यों बैठा? अल्लाह माफ़ी करे, कोई बंदे को आधा कुछ कह नहीं। तो अक्सर दिखाओ सी कि नंबरदार एक वो छोटे जे कद एक फनकार उन्हें नाल तो कोई एक आर्टिस्ट नज़र आता उसी, जेड़ा कहीं ले उनका सहरा बना वदा है, कहीं ले उनका जवाई बना वदा है, कहीं ले थानेदार बना वदा है, कहीं ले कोई बना वदा है। खुशिया घरमाटू है सारे हथे चढ़ा होया। तो जनाब असा इन को जानसू भाई खुशिया ते वाल घरमाटू, ये घरमाटू वाला क्या राज है? तो यकीन नाजिन तुसा पूरा मज़ा गिनसो प्रोग्राम का और तो मज़ा आता पियो सी। और सब तो पहले तो असा खुशिया घरमाटू साहब तो आपको वेलकम आते हैं। सत बिस्मिल्ला जी हैं को सजना में अखी ठर जनाब तुसा झोक टीवी को टाइम दिता। और उन तो बाद आओ नाजरीन गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल चाल है? सही दुआवां जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक दा बड़ा एहसान है। ते खुशिया घरमाटा है जी, घरमाटू नहीं। अच्छा, खुशिया घरमाटा। जी जी, मैं घरमाटू बनाई बैठा। घरमाटू बना देता सानू, घरमाटू घरमाटू दे देता जनाब। नहीं, अगर खुशिया घरमाटा हो सकता है तो उसको थोड़ी जा लंबा करो तो घरमाटू ही हो सकता है। नहीं, वो तो तुसी गोल करो ता घरमाटू बनदा जनाब। अच्छा, खुशिया घरमाटा मेरा नाम है। अच्छा, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह सही। वैसे तो सा फनकार बड़े अच्छे लगते पे। जी जी, मेहरबानी, तुम्हारी मोहब्बत है जनाब, इन थोड़ा दूर ही रखो, मेरे मुंह च ना वड़ जावे। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं तुम्हारे मुंह च नहीं। हाँ जी, मेरा नाम खुशिया जनाब, कर देने तो खुशिया रखा सी। ते बस दो चार लोगों की नजर लग गई खान साहब, यानी उन्हें खुशी दे नाल खुशिया रखा। खुशिया रखिया जनाब, खुशी दे नाल खुशिया रखिया। ते दो चार लोगों की नजर लग गई, जिवें अजकल महंगाई नू सानू आटा नहीं लग्या होया। हां, घरमाटा क्यों रखा गया? को ड्रामा क्लिक होया को हालांकि तुसा तबीयत आले पासो हकीकत फनकार नहीं लगते, पलेदार लगते जी। बिल्कुल बिल्कुल, जिवें बिल्कुल तुसी सही कह रहे हो, जिवें अपने खान साहब ने, अपने खान साहब नहीं लगते। जिवें जंगल च दरख्तां नूं नंबर लाने वाले लोग नहीं होंदे, एक या दो नंबर तीन नंबर इस तरह दे बेलदार। जी, बेलदार लगते। अच्छा अच्छा अच्छा। ते मैं भी इसे तरह जनाब, खुशिया मेरा नाम सी, ते एक क्लिप बनिया वो घरमाटियां दा, वो साडी रस्म बनाई, एक कौम बनाई घरमाटियां दी। अच्छा, ते उस घरमाटियां तो फिर मेरा नाम खुशिया घरमाटा हो गया, घरमाटा क्लिक हो गया। क्लिक हो गया, हुण इसे नाम तो मशहूर। खुशिया लोग घट कहते ने, घरमाटा ज्यादा कहते ने। अच्छा, वैसे पलेदारी छोड़ते तो फनकार करन तो बने वे। बस जनाब, जो मेनु करो बात दुआ लगी है ना के दूजा हुण साडे घरों बेकार है। अच्छा, उदों फिर मैं फनकार बन गया। नहीं वैसे कितने कर सकोगे? असा तो जनाब मैनू बहुत हो गया है, किड़ी दुखां दी गल इन्होंने छेड़ दित्ती है। हाय हाय हाय, 23-24 साल तो मैं जनाब की कहते ने इस दुख दे विच पे आ। 23-24 साल तो जींदे वदे। हाँ जी, बस मैं बड़ी मेहनत की, बड़ा रुलिया, और तुसी यकीन करो भुखा भी कटिया और प्यासा भी कटिया, फिर इतनी मेहनत के बाद अल्लाह पाक ने कोई मेहरबानी की। रोवना नहीं, गल सुनावनी। बस गल सुना लगे, लेकिन गल रोवन वाली याद आ गई, मैनू पिछला याद आ गया जिड़ी मैंने 22-23 साल तू बोरियां चाहता मैं बोरियां चुकता सी, मैं लोगों की चोरी भी चुक लैंदा सी बोरियां। अच्छा अच्छा, ते बस ओदी वजह तो मैनू जिहड़ा ना रोना याद आ गया। अच्छा, कि मैं कितनी मेहनत करन दे बाद अल्लाह पाक ने मेरी सुन लई, ते अज मैं तुहाडे सामणे आ। लोग जानदे ने खुशिया घरमाटा कहंदे ने। अच्छा, ये बार बार अपना नाम दसना जरूरी है भी, एक दफा दस इत्थे अगली गल करो। ओ जनाब, लग याद रवे लोग सर, घरमाटा की चीज है मेरी समझ। घरमाटा यानी ओ मधिया घुमाटा। हां, नहीं जी नहीं, साडी एक कौम है, इना दी कौम है घरमाटा। घरमाटा यानी घर नु। हां, माटा माट घर, आटा या घरमाटा। घरमाटा यानी इवें समेलो बे जिवें आजकल आटा नहीं मिलता, घर आटा। बिल्कुल, ओ ऐसे तरह आजकल मैं भी नहीं मिलता। अच्छा अच्छा, क्योंकि मेनू कोई मिलता नहीं। हां, मेनू अगो कुछ नहीं मिलता, इसलिए मैं नहीं मिलता। तुसा कह रहे नहीं मिलते। अच्छा, वैसे घरमाटा साहब 23-24 साल दा सफर, ए दसो कि नंबरदार तुहाडी वजह तो फेमस होया या तुसा नंबरदार दी वजह तो फेमस होए? गल जी, ओ नंबरदार साहब पहले ही फेमस सन, ते मैं भी उन्होंने नाल जिवें कोई पारस दे नाल, पारस वाली वट्टी दे नाल कोई चीज़ लगती है ना, तो वह भी सोना हो जाती है। तो अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे, उहदे नाल मैं लग्या ते मैं भी सोना हो गया। अच्छा, वैसे तुसा कह भी एंगल आले पासों, कह भी एंगल आले पासों, तो आज तक कह डायरेक्टर आखा कोई नहीं भी, तुसा कह एंगल तो फनकार नहीं लगते, बस बल्कि तुसा फनकार
नहीं वे लगते। ये किस तरह की गल कर रहे हो जनाब? फनकार मैं लगता हाँ फनकार। अच्छा तो मैं कद लगता नहीं? मैं लगता जो लोग तो डेते ना उन्होंने मेहरबानी उन्होंने एहसान समझो। हाँ वरना तुआरे जा बंदे पता क्या करेंगे? लारी अड्डे तो खड़ोते हाकरी करेंगे। हाँ जी हाँ जी आ कहने लइए लइए आ लइए। बिल्कुल बिल्कुल मैं लइए दी बसां दे नूं कनेक्ट करदा सी। अच्छा ए हकीकत तुसां हुण दस्से दे पए। नाज़रीन तुहानू पता लगदा पिया सी कि खुशिया गरमाटा पहले कलिंडरी करें दा आई जी 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 ते उस तो। अच्छा वैसे तुसां करान गलती दे नाल स्टेशन दे उत्ते कुली दा काम ही कीता है? ओ नहीं जी ए भाई साहब नूं पुछ रहे हो जी? नहीं नहीं तुहाडे नाल गल हुंदी पई। अच्छा कपड़े उन्होंने कुली वाले पाए ने ना? मैं कह शायद इहनूं कहिंदे पए हो। ओह फनकार है, ओह फनकार आदमी है, ओहदे नाल गल कोई नहीं, इह तुहाडे नाल गल है जनाब। गरमाटा साहब तुहाडे नाल गल है। कुलियां वाले उन्होंने पाया ना, फनकार तो है ने साडे जनाब ताबेदार। मैं कोता ते लेकिन ओह तुसीं कुली दी गल कीती ना, कलर कुलियां वाले उन्होंने पाया था। अच्छा हाँ जी। अच्छा कितने एक ड्रामिया दे विच, कितने एक खाकियां दे विच, कितने एक क्लिपां दे विच तुसीं इस टाइम तक काम कर चुके हो? जी तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 1400-1500 फनी क्लिपां च काम कर चुका। 1400-1500 तुसीं हाल ही जी दे वदे वे? हां वसेब दा फखर है, निके निके बाल, बल्कि मेरा अपना पुत्र मुजम्मिल अब्बास इहदा बड़ा प्रस्तार है। ओह मेरे को अक्सर आदा आदा नंबरदार अपनी जगह ते, लेकिन गरमाटा जड़ा ना गरमाटा कूड़ फनकार। हाँ अच्छा प्यार कर देने वैसे ये वैसे कह रहे मोहब्बत कर देने इन्हां दी मोहब्बत है। जी 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 अल्लाह की मेहरबानी है जी, छोटे छोटे बच्चे भी फैन ने, प्यार करते ने। छोटे बच्चे ही फैन होने, समझदार बंदा तो तुहाडे, समझदार बंदा तुहाडा फैन होते मतलब नहीं 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 वड्डे भी फैन ने जनाब। इसलिए कि वो छोटे बच्चे की वजह तो ना वड्डे भी फैन ने। अच्छा बाकी गुफ्तगू तो थींदी रही अज तुसां झोक टीवी दे लाइव स्टूडियो के अंदर मौजूद ही वे। तुहाडी बड़ी मेहरबानी है कि तुसां सारे नाल कुछ हसण खेलण वाली गल ही करदे पए। अच्छा आम लाइफ दे विच वी तुसां इवें रहंदे वे? नहीं आम लाइफ च मैं इस तरह नहीं रहिंदा। क्यों? आम लाइफ च मैं बिल्कुल सीरियस रहना। अच्छा हां इस तरह मजाक शायद आता। आम लाइफ दे विच मैं कमीज को नहीं पहनता, सिर्फ बनैन पुठी पात रखना। नहीं नहीं कमीज भी पाई दी है कभी कभी, कमीज भी पा ली दी है। अच्छा ते बनैन जड़ी है कि किदन ओ तो मैं सीधी पाना जनाब। अच्छा हां अगर तुहानू नजर आ रही पुठी नहीं सीधी है जनाब, सीधी बनैन है, ऐसी गल नहीं। पता नहीं केड़े अल्ट्रासाउंड ना तुसी कलंदरी साहब नहीं बला नहीं बनाया, मतलब तुहाडे नाम दी गल हुंदी पई है। गरमाटा होवे गरमाटू होवे जिहड़ी कोई मतलब जिंदगी दा ऐसा दुख जिहड़ा अज तक तुहानू याद होवे इस फील्ड दे विच आवण वास्ते, कोई ऐसी कोई मतलब कोई दुख भरी कहानी याद है? फनकारा नूं मिलन दा बड़ा शौक सी। अच्छा तकरीबन 24 साल पहले हालांकि जैनवन तौर ते तुहाडी तबीयत फनकारा वाली कोई नहीं, ना मिलन वाली कोई नहीं। अच्छा अच्छा पहले तुसी मैनूं इह दस्सो बनाब, इह मेरा इंटरव्यू करने वास्ते मैनूं बुलवाया तुसी इत्थे कि मैनूं बेइज्जत करन वास्ते? नहीं जनाब तुसी साडा सरमाया हो, साडा माण हो, साडा फखर हो। असां तां तुहाडे नाल इह सिर्फ नाज़रीन को दस्सेंदे पए कि जैनवन गरमाटा है, मत तुसी समझो कि कोई भी आया बैठे। जनाब कोई दी फोटो कापी नहीं, जैनवन खुशिया गरमाटा है, कोई फोटो कापी नहीं। अच्छा 24 साल पहले मैं जनाब फनकारा नूं मिलन दा शौक सी ते मैं लाहौर चला गया, हालांकि मैनूं पता ही नहीं सी लाहौर किथे ते लाहौर होंदा की। तुहानूं जेले पता ही कोने तुसीं गए क्यों? बस मैं बस ते उत्थों बह के चला गया। अच्छा घरदिआं तों चोरी पैसे चुक के ना ते बस मैं चला गया लाहौर। अच्छा ते जनाब ना पुछो मैं बड़े धक्के खाधे, बड़ी मुश्किलां कटियां, फनकारां दे मैं कपड़े धोते, बर्तन धोते, उन्हां ने वास्ते खाने पकाए, रोटियां पकाईआं, मैनूं कोई स्टूडियो नहीं सी वड़न दिंदा। अच्छा ते बस तुहाडी तबीयत रुड़े दिओ सिर बई इह
ਪਲੇਦਾਰ ਹੈ ਪਿਆ ਕਹਿ ਬੱਸਾਂ ਲੜੇ ਦਾ ਹਾਕੇ ਰਹਿ ਪਿਆ ਇਹ ਫਨਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਫਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਅਜ਼ਹਰ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਫਨਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਜਨਾਬ ਅੱਛਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਨਾ ਆਵੇ ਆ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਡੇਰੀਆਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਖੜੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਏ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਾਂ ਅਗਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਾਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਰਾਚੀ ਕਰਾਚੀ ਲਾਹੌਰ 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 ਲਾਈ ਖੜੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹਕੀਕਤਨ ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਈ ਗੱਲ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕੌੜੀ ਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਟਿਊਬ ਚੱਲ ਪਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਆਇਸ਼ਮੰਦ ਫਨਕਾਰ ਸਨ ਉਹ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਟਿਕਟੋਕ ਐਸਾ ਫੇਮਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਜਨਾਨੀ ਹਰ ਲੜਕੀ ਫਨਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੋਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕੈਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੇ ਔਰ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰ ਹੋ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਫਨਕਾਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਮਤਲਬ ਬੁੱਸੀ ਬੁੱਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਕੀ ਫਿੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਨਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਇਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੰਜਣ ਵੇਚਣ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੱਛਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਫਤ ਵਾਲਾ ਔਰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁੱਛਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁੱਛਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਵੇ ਤਬੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਵੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੋਂ ਕੋ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆ ਘਰਮਾਟਾ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਲ ਵੀ ਤੋਂ ਸਾਈਂ ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਕੋ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਸੋ ਪਿਆਰਾ ਜੀਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀਆ ਕਲਾਮ ਜਨਾਬ ਮੁਰਤਜ਼ਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸਾਂ ਰਮਣਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆ ਘਰਮਾਟਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਪਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਰੇ ਦਫ਼ਾ ਜ਼ਬਾਨ ਚਿੱਥਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਕਿਨਸੋ ਖੁਸ਼ੀਆ ਘਰਮਾਟਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਰ ਦੇ ਜੋਕ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੋ ਕਿਆ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜੇ ਮਾਰੇ ਭਾਈ ਹੈ ਔਰ ਜੋਕ ਟੀਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਆਪ ਉਸਕੋ ਦੇਖੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹ ਜੋਕ ਟੀਵੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮੈਂ ਅਬ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂੰ ਤੋ ਜਨਾਬ ਆਪ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬਤਾਨਾ ਹਮਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਕੋ ਕੈਸਾ ਲਗਾ ਜਨਾਬ ਹਾਂ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸੂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੂੰ ਔਰ ਇੰਕੂ ਕਈ ਬਹਿ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਤਰਤੀਬ ਤੇ ਜਿੰਕੂ ਗਿਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਥੀ ਸੂ ਤਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜੁੜੇ ਰਮਣੇ ਜੋਕ ਟੀਵੀ ਵਸੇਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੈਕੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਸੋ ਪਲੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਯਾਨੀ ਘਰਮਾਟਾ ਖੁਸ਼ੀਆ ਘਰਮਾਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੀ ਔਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਕਸੀਦਾ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਸ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਬਾਨ ਮਿਲ ਸੂ ਅਗਲੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਨ
कहीं मुश्किल का शिकार ही वे तुहाड़े नाल कोई ज्यादती थी नहीं पई है तो तुसा झोक टीवी नाल रबता करो। नंबर तुसा तले स्क्रीन ते दे दे पियो, ई नंबर ते रबता करके झोक टीवी नाल। झोक टीवी तुहाड़ी आवाज़ बन सी, क्योंकि झोक टीवी मजलूम दी आवाज़ है, वसेब दी आवाज़।